अभिषेक और आपकी शादी कब होगी? छोटा सा दिल है यार। हाँ तो गाइस, फिर से आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स जिया शंकर के बारे में एंड एलविश यादव के बारे में। गाइस, क्या एलविश यादव एंड जिया शंकर रिलेशनशिप में है? अब गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो आप लोगों में बता ही देता हूँ। लेकिन गाइस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, मैं जिया शंकर और एलविश यादव को रिलेशनशिप में क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, अभी जिया शंकर का एक इंटरव्यू पब्लिक हुआ, उस इंटरव्यू में जिया शंकर से एलविश यादव के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो जिया शंकर ने एलविश यादव के बारे में ये कहा। उसका सिस्टम मेरे लिए छोटा सा दिल है यार, जो बहुत ही वो बाहर वो कोकोनट की तरह है, बाहर से एकदम सख्त। लेकिन क्या आप एलविश को डेट करना पसंद करते हैं? डेट पागल है क्या भाई, आप कुछ भी सवाल पूछते हैं, किस किस को डेट करूं मैं, किस किस से एंगल लगाओगे मेरा? एंड गाइज, मैं आप लोगों को जिया शंकर एंड एलविश यादव का रिलेशनशिप का एक और प्रूफ दिखा देता हूँ। गाइज, कल जिया शंकर अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, तो गाइज काफी सारे लोगों ने जिया शंकर से एलविश यादव के बारे में पूछा। एंड गाइज, लोगों ने यहाँ तक भी पूछा कि आपकी और एलविश यादव की शादी कब है, तो गाइज जिया शंकर ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर और क्या क्या बात की, आप लोग पूरी क्लिप देख लीजिए। एलविश भाई का मीटअप देखा? कौन सा मीटअप? मतलब ओ अच्छा, वो जो पूरा क्राउड, हाँ ओ यस, पता चला मुझे उसके बारे में भी। वाओ यार, सम मैडनेस, इतने सारे लोग एक साथ आ गए थे। एलविश के साथ ब्लॉग बनाऊं? यस डेफिनेटली, जब वो आएंगे बाहर। हमारी बहुत सारी बातें रह गई, तो हम ग्लैड की आखिरी दिनों में हमारी बहुत सारी फिर भी बातें हुई एंड मैं उन्हें जान पाई। पहले से हम, काश पहले से हमारी दोस्ती हो गई होती तो आई एम श्योर कि हमारी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती। पहली बार एलविश ने बिग बॉस में हग किया किसी को, दैट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। वही तो कह रही हूँ कि जाते जाते हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। एलविश सोचा नहीं था कि ऐसी हमारी शुरुआत होगी और इस तरीके से हमारी बॉन्ड बन जाएगी। अभिषेक और आपकी शादी कब होगी? कुछ नहीं बोल सकती मैं उस पे, ये सवाल ही कुछ हो जाए पहले तो कम शादी की बात तक, क्या पता वापस कोई मुझे सांप बोल दे, दोगली बोगली बोल दे। यहाँ पे हो गया, अब ये बिग बॉस की भाषा सीख के आए हैं हम भी बाहर। ए सपोले, ए सांप, ये सांप है, दोगली दोगला। अब गाइस, आप लोग जिया शंकर एंड एलविश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और ये वीडियो पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर गाइस नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।